हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आज एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो रहा हूं आपके चैनल आईआईटी सर्विसेज में। सॉरी दोस्तों, वीडियो नहीं बना पा रहा था, कुछ थोड़ा सा वर्क था, इसकी वजह से मैं आपके जो है वीडियो नहीं बना पा रहा था। दोस्तों, यहां पर सबसे पहली चीज़ जो सस्पेक्ट लिस्ट है वो जारी की जा चुकी है, क्या है, कैसे है, सब कुछ बताऊंगा। बस वीडियो को शुरू से तक बने रहें। और अच्छा, फॉर्म कैसे सही होगा, जो सस्पेक्ट में आया लिस्ट है सही कैसे होगा, फॉर्म किसका आया है, कौन सा आया है, सब कुछ बताऊंगा। बस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं आपको जो है जो असल टॉपिक है आपकी टॉपिक की तरफ। आप सबसे पहली चीज़ देख सकते हैं कि ये जो नोटिस आई हुई है, आप सस्पेक्ट लिस्ट क्या है। अब इस सस्पेक्ट लिस्ट का क्राइटेरिया पूरा यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन इस सस्पेक्ट लिस्ट के अंदर कुछ चीज़ों को मैं आपको पहले ही बता दूँ कि कुछ चीज़ें हैं इसमें, वो अभी मैं आपको आगे क्लियर करता हूँ। और इस सस्पेक्ट लिस्ट जो है ये 250-200 पेजेस में आप देख सकते हो, ठीक है। अब ये सस्पेक्ट लिस्ट किस क्लास की आई है, क्या इशू होगा, कैसे सही होगा, कौन इसको सही करेगा, सब कुछ बताऊंगा। बस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे, कंप्लीटली देखें तो पूरी बात समझ में आ जाएगी, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर होती हुई चली जाए। तो सबसे पहले दोस्तों की ये जो सस्पेक्ट लिस्ट है ये किस क्लास की जा रही है, मैं इस पर आपको ज़्यादा बात थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ। लेकिन पहली चीज़ आप ये देख लें कि जो सस्पेक्ट लिस्ट को मैं थोड़ा बड़ा करके आपको दिखा दूँ कि आप सबसे चीज़ें जो है आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें यहाँ पे दी है, और जो प्रॉब्लम है वो यहीं पर इशू कर रहा है। ये देख सकते हैं मार्क्स इंस्टीट्यूशन एंड स्टूडेंट सस्पेक्टेज परसेंटेज, यहाँ सारी चीज़ें करीब करीब बहुत दी हुई है। तो और सारी चीज़ें यहाँ मेरे नाम के साथ, आधार बेस पेमेंट है, किसका इशू है, किसका इशू नहीं है, ये सारी चीज़ें। तो खैर, मैं थोड़ा सा और ऊपर चलता हूँ और आपको पूरी बात पे मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। बस वीडियो में अपनी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और चैनल को जो लोग पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, ये नोटिस जो है 9th और 10th के लिए अभी जारी हुई है, तो मैं आपको यह बता दूं 9th और 10th के जो बच्चे उनकी जारी कर दी गई है। और आप अगर क्लियर है, जल्दी मैं आपकी भी लिस्ट हाजिर लेकर हो जाऊँगा, ठीक है। आप अगर जो है क्या नाम है BA BSc BCOM के हैं, तो आपके लिए मैं जल्दी ही जो है वो लिस्ट लेकर आपके सामने जो है मैं हाजिर होने वाला हूँ। क्योंकि ये लिस्ट जो है सिर्फ और सिर्फ अभी मैं आपको दिखा दूँ कि 9th और 10th की जो है ये जारी की गई है, तो इसमें आप घबराने की जरूरत नहीं है। जैसी आपकी लिस्ट आती है मैं आपको लेकर आपके सामने हाजिर हो जाऊँगा। और इस लिस्ट में भी क्राइटेरिया वही रहेगा, बिल्कुल वही होने वाला है जो इसमें होने वाला है। तो इन लिस्टों का भी क्राइटेरिया वही है, आप इन चीज़ों को भी आप देख लें। SC और उसका जो है सामान वर्ग का क्राइटेरिया को रखा गया है कि आपका जो है यहाँ पर करना है। तो आपको जो है किस तारीख से किस तारीख तक का डेटा रखा गया, यानी ये डाटा जो है जल्द से जल्द उसको जमा कर देना है, और ये सारी चीज़ें होती हुई चली जाएंगी। फिलहाल ये अभी 9 और 10 की ही जो है डाटा को यहाँ फॉलो किया गया है। तो आप घबराइए नहीं, मैं आपके लिए जल्द से जल्द दूसरी लिस्ट भी लेकर हाजिर हो जाऊंगा और उस लिस्ट में आपको पूरी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आ चुकी है। अगर कोई डाउट हो तो मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। और ये आप नोटिस देख सकते हैं, नोटिस 26 तारीख का है, दिया समय अधिकारी आजमगढ़ के थ्रू मैंने ये नोटिस पाया हूँ मैं वहाँ से, मतलब जो है नोटिस मुझे रिसीव हुई है, पानी मतलब रिसीव हुई है। तो उसकी सारी चीज़ें यहाँ पे, तो हर जिले के हिसाब से जो धीरे धीरे आ रही है, और आपकी भी लेकर अभी 9th है, फिर 11th 12th, फिर क्लियर ग्रेजुएशन, वो सब आने वाली है। तो जैसी आती जाएगी फिर आपको मैं क्या करना है वो आपको सारी बातें मैं क्लियर करूँ। उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आ चुकी होगी।